फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। इस वीडियो में हम लोग यहां पर विस्कोसिटी पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल कुछ कन्वेंशनल क्वेश्चन सॉल्व करके देखने वाले हैं। ऑलरेडी हम लोगों ने कुछ थ्योरेटिकल ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस सॉल्व कर लिए थे, अभी देखते चलिए यहां पर स्टार्ट करता हूं, फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन जो मैंने यहां पर लिया है क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनेंगे इसके बारे में। बट इसके बारे में सुनने के पहले एक छोटी सी बात आप लोगों को याद दिला देता हूं कि हम लोगों ने पढ़ा था न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। एंड न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या बोलता था, दैट सेज दैट टाउ इज इक्वल्स टू म्यू इनटू डीयू बाय डीवाई। ठीक है, लेकिन ये जो पर्टिकुलर शियर स्ट्रेस की वैल्यू देने वाला फॉर्मूला था, इसका हम लोग करते हैं लीनियरलाइजेशन। लीनियराइजेशन, अब ये लीनियराइजेशन का मतलब क्या है कि देखिए, किसी भी पर्टिकुलर बॉडी की अगर मैं बात कर रहा हूं, फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये एक पर्टिकुलर प्लेट है, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर प्लेट के अलग अलग बहुत सारे पॉइंट्स होंगे और इनके हर एक पर्टिकुलर पॉइंट पर एक्ट करने वाला शियर स्ट्रेस की वैल्यू हो सकता है वैरी करती हो। हो सकता है कि एजेस पर जो शियर स्ट्रेस है वो कम हो जबकि मिडल पोर्शन में शियर स्ट्रेस की वैल्यू ज्यादा हो। लेकिन हम यहां पर क्या एज्यूम कर लेते हैं, लीनियराइजेशन का मतलब ये है कि हम यहां पर ये एज्यूम कर लेते हैं दैट शियर स्ट्रेस इज कॉन्स्टेंट throughout the length of the particular given body। तो इसके हर एक particular point पे जो shear stress की value है वो क्या है, same है। तो मान लेते हैं यहाँ पर सभी जगह पे अगर मान लीजिए shear stress की value अगर same है, that is tau और tau at every point, then we can easily say that the value of shear force will be equals to the shear stress into area। लेकिन एरिया कौन सा होगा, तो सर वो एरिया लेना चाहिए जिस पे शियर स्ट्रेस एक्ट करेगा, ठीक है। तो यही सिंपल सा जो लीनियराइजेशन का मतलब है, ये मतलब आप लोगों को बताना था कि हम लोग यहां पर डायरेक्टली शियर फोर्स के लिए भी फॉर्मूला लिख सकते हैं, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू शियर स्ट्रेस इज नथिंग बट दैट इज टाउ, एंड एरिया को मैं लिख देता हूं एज कैपिटल ए। सो इधर इस पर्टिकुलर फॉर्मूले को अगर यूज करें तो मैं लिख सकता हूं एज म्यू इनटू कैपिटल ए इनटू डीयू बाय डीवाई, and this is the formula for shear force, or it can also be written equals to be mu into area into d theta by dt। याद होगा आप लोगों को कि हम लोगों ने ये जो velocity gradient है इसी की value हम लोगों ने ये rate of shear strain के बराबर derive किया था। तो यही जो linearization है of the Newton's law of viscosity, इसी का यूज किया जाता है इन अवर न्यूमेरिकल्स। इसी के अलावा एक और यहां पर छोटी सी कंडीशन है जिसका यूज किया जाता है, एंड दैट कंडीशन इज अज्यूम्ड टू बी एप्लीकेबल एवरीवेयर इन अवर टोटल सब्जेक्ट। हमारे पूरे सब्जेक्ट में हम इस पर्टिकुलर कंडीशन को हर जगह एप्लीकेबल अज्यूम कर लेते हैं, एंड द कंडीशन इज नथिंग बट दैट इज नो स्लिप कंडीशन। अब ये नो स्लिप कंडीशन का मतलब क्या है, बस इस कंडीशन का मतलब सुन लेते हैं आप। ये बोलता है कि कोई भी पर्टिकुलर बाउंड्री, कोई भी पर्टिकुलर बॉडी अगर फ्लूइड के अंदर प्रेजेंट है, तो वो फ्लूइड जो कि उस पर्टिकुलर बॉडी के कांटेक्ट में है, उस फ्लूइड मॉलिक्यूल की वेलोसिटी उस गिवन बॉडी की वेलोसिटी के बराबर होगी। मतलब क्या बोल रहा हूं, देखिए नो स्लिपिंग बोल रहा हूं। जैसे अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये पेन मैंने पकड़ी हुई है हाथ से और इसको खींचा जा रहा है, अभी ये स्लिप नहीं हो रही मेरे हाथ से, क्योंकि ये स्लिप नहीं हो रही, इसका मतलब कि जितनी वेलोसिटी मेरे हाथ की होगी उतनी ही वेलोसिटी इस पर्टिकुलर पेन की होगी, यस और नो। बट अगर मान लीजिए मैं बोल रहा हूँ कि स्लिपिंग हो रही, इसका क्या मतलब है कि फोर्स लगाने के कारण ये पेन तो आगे आ गई बट हाथ वहीं का वहीं रह गया। That means there was a relative velocity between the pen and hand at the point when slipping starts।
दैट मींस कि जब मैं ये बोल रहा हूं कि कोई स्लिपिंग नहीं हो रही, इसका मतलब ही यही होगा कि जो रिलेटिव वेलोसिटी होगी उसकी वैल्यू क्या रहेगी, जीरो होगी बिटवीन द फ्लूइड मॉलिक्यूल व्हिच इज इन कॉन्टेक्ट विद द बॉडी एंड द फ्लूइड मॉलिक्यूल, ठीक है, एंड द बॉडी, ठीक है। खैर देखिए यहां पर वापस से मतलब बता रहा हूं डायग्राम में। मान लीजिए कि ये है हमारा एक पर्टिकुलर बॉडी और इस बॉडी का सरफेस हम लोगों ने दिखाया है जिसकी वेलोसिटी है अभी फिलहाल जीरो। तो ये जो पर्टिकुलर बॉडी है ये क्या है, अभी स्टेशनरी है। अगर मान लीजिए इसके ऊपर यहां पर फ्लो हो रहा है कोई पर्टिकुलर फ्लूइड, मान लेते हैं फ्लूइड इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा था, तो ये पक्की बात है कि सर फ्लूइड के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे एंड उन सभी मॉलिक्यूल्स में ऐसा कोई भी मॉलिक्यूल जो कि इस पर्टिकुलर बाउंड्री के कांटेक्ट में है, इन सभी मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी भी किसके बराबर होगी, इस बाउंड्री के बराबर होगी। तो अगर मान लीजिए यहां पर इसकी वेलोसिटी अगर जीरो है तो इन सभी की वेलोसिटीज क्या होंगी, जीरो होगी, चाहे वो आप इसकी बात कर लो चाहे आप इसकी बात कर लो। दैट मींस द रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन द मॉलिक्यूल एंड द बॉडी विल बी जीरो। सो लिख देता हूं यहां पर नो स्लिप कंडीशन का मतलब क्या है, इट स्टेट्स दैट रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन बॉडी एंड फ्लूइड मॉलिक्यूल इन कॉन्टैक्ट विद बॉडी विद बॉडी इज इक्वल टू ऑलवेज जीरो इज ऑलवेज जीरो। सो यही जो पर्टिकुलर स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट को हम लोग क्या बोल देते हैं, एज द नो स्लिप कंडीशन। लेकिन चलिए देखते हैं यहां पर एक और एग्जांपल कि अगर मान लीजिए ये हमारी जो बॉडी का सरफेस है ये खुद भी मूव कर रहा था और इसकी जो वेलोसिटी है, लेट द वेलोसिटी इज इक्वल टू 5 meter per second, तो पक्की बात है कि इसके कॉन्टेक्ट में जो भी पर्टिकुलर फ्लूइड मॉलिक्यूल होगा वो फ्लूइड मॉलिक्यूल, जैसे कि अगर मान लीजिए ये है फ्लूइड मॉलिक्यूल या फिर ये एक फ्लूइड मॉलिक्यूल, ये एक फ्लूइड मॉलिक्यूल है, तो इन सभी फ्लूइड मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी भी इस पर्टिकुलर बॉडी की वेलोसिटी के बराबर होगा। दैट मींस ये भी सब इसी डायरेक्शन में मूव कर रहे होंगे, किस रिस्पेक्ट, किस वेलोसिटी से, एट अ वेलोसिटी ऑफ 5 meter per second। तो यही बोलता है हमारी नो स्लिप कंडीशन, और इसी नो स्लिप कंडीशन और इस पर्टिकुलर लिनियराइजेशन ऑफ अवर न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी दोनों का ही यूज करके हम लोग न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं। तो चलिए यहां पर न्यूमेरिकल सॉल्व करना शुरू करते हैं। सबसे पहला न्यूमेरिकल देख लेते हैं यहां पर क्या लिखा है। बोलता है दैट अ प्लेट 0.05 mm डिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स्ड प्लेट मूव्स एट 1.2 मीटर पर सेकंड। तो देखिए यहां पर मैं आप लोगों को डायग्राम बनाकर दे देता हूं। मान लेते हैं कि ये है एक प्लेट जबकि ये है दूसरी प्लेट, ठीक है। तो ये जो दो प्लेट्स है इन दो प्लेट्स के बीच में यहां पर कुछ डिस्टेंस प्रेजेंट है और वो डिस्टेंस भी हमें दिया हुआ है। क्या बोल रहा है कि ये जो पर्टिकुलर प्लेट है ये कितने डिस्टेंस पर है, तो दिस इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 0.05 mm। और ये बोल रहा है कि ये जो अगर मान लीजिए नीचे वाली जो प्लेट है, दिस इज अ फिक्स्ड प्लेट, ये अगर एक फिक्स्ड प्लेट है तो जो ऊपर वाली प्लेट है ये मूव कर रही है किस पर्टिकुलर वेलोसिटी से, तो दिस इज एक्चुअली मूविंग एट अ वेलोसिटी ऑफ 1.2 मीटर पर सेकंड। और इसके मूवमेंट को मेंटेन करना है अगर, तो मेरे को एक फोर्स भी अप्लाई करना पड़ रहा है and that force is equals to 2.2 newton per meter square. The force required is also given as 2.2 newton per meter square. तो पूछ रहा है कि viscosity की value क्या होगी? देखिए यहाँ पर हम लोगों को ये बात clear है कि इन दोनों के बीच में कुछ fluid है और वो fluid को अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर
शो कर देता हूं बाय रेड कलर। तो यहां पर कुछ फ्लूइड प्रेजेंट है, या फिर काम करते हैं फ्लूइड को डॉट डॉट से दिखा देता हूं मैं। तो यहां पर फ्लूइड प्रेजेंट है और ये फ्लूइड की ही विस्कोसिटी ये पूछ रहा था हमें। तो चलिए फ्लूइड की विस्कोसिटी कैसे बताएंगे, उसके लिए सबसे पहले यहां पर मुझे दो फ्लूइड मॉलिक्यूल्स चूज करने पड़ेंगे जिनकी वेलोसिटी मुझे ऑलरेडी पता है। क्या बोला मैंने, यहां पर इस पर्टिकुलर न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए मुझे सबसे पहले दो फ्लूइड मॉलिक्यूल्स चूज करने पड़ेंगे जिनकी वेलोसिटी मुझे ऑलरेडी पता है। अब पता कैसे होगी, तो दैट इज बाय द नो स्लिप कंडीशन। तो देखिए यहां पर मैं दो फ्लूइड मॉलिक्यूल्स बनाकर दिखाता हूं। एक फ्लूइड मॉलिक्यूल है ये, यहां ये वाला फ्लूइड मॉलिक्यूल है, जबकि दूसरा जो फ्लूइड मॉलिक्यूल है वो यहां वाला प्रेजेंट है। ठीक है, तो इन दोनों ही फ्लूइड मॉलिक्यूल्स की अगर मैं बात करता हूं, इस फ्लूइड मॉलिक्यूल की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, तो इसकी वेलोसिटी होगी 1.2 मीटर पर सेकेंड, जबकि इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, जीरो होगी। ठीक है, सो अगर मैं यहां पर आपको पूछता हूं कि चलिए मेरे को ये बता दीजिए दैट व्हाट इज द वेलोसिटी डिफरेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स, तो आप लोगों को यहां पर ये पता है दैट द वैल्यू ऑफ डिफरेंस इन द वेलोसिटी ऑफ दीज टू पॉइंट्स इज इक्वल्स टू 1.2 मीटर पर सेकंड इज द वेलोसिटी एट द फर्स्ट पॉइंट, जबकि दूसरे पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी है, तो दैट इज इक्वल्स टू 0। तो मतलब डिफरेंस कितना आ जाएगा, तो दैट विल बी इक्वल्स टू 1.2 मीटर पर सेकंड। लेकिन वहीं इसके अलावा और बात करें अगर, तो सवाल ये आता है कि सर फोर्स लगाना क्यों पड़ रहा है। तो मेरे को एक बात बताओ, ये वाली जो पर्टिकुलर प्लेट है ऊपर वाली, वो आगे की तरफ मूव कर रही है, इस तरफ मूव कर रही है, जबकि ये यहाँ पर स्टेशनरी है। तो ऑफ कोर्स बीच में जो फ्लूइड है वो क्या कोशिश करेगा, हम जानते हैं ऑलरेडी विस्कोसिटी ट्राइज टू रेजिस्ट द रिलेटिव मोशन। तो इस कारण से यहां पर रिलेटिव मोशन को रेजिस्ट करने के लिए ऊपर वाली प्लेट पर तो इस डायरेक्शन में शियर स्ट्रेस एक्ट करेगा, जबकि नीचे वाली जो प्लेट है उस पर लगेगा शियर स्ट्रेस कुछ इस डायरेक्शन में, क्योंकि ऊपर वाली जो प्लेट है वो मूव कर रही है और नीचे वाली प्लेट को अपने साथ ले जाने की कोशिश करेगी आगे की तरफ। लेकिन नीचे वाली प्लेट ऊपर वाली प्लेट को बोलेगी कि भाई तो रुक जा, और रुक जा तो उसके लिए क्या होगा, फोर्स लगेगा इन द बैकवर्ड डायरेक्शन ऑफ द फ्लो। ठीक है, सो ये तो हो गई यहां पर शियर स्ट्रेस की डायरेक्शन की बात है, लेकिन ये पक्की बात है कि शियर स्ट्रेस लगेगा, और वो शियर स्ट्रेस को ओवरकम करने के लिए मुझे यहां पर कुछ पर्टिकुलर फोर्स अप्लाई करना पड़ रहा है, और उसी पर्टिकुलर फोर्स की वैल्यू उसने मेरे को कितनी दे दी है एज 2.2 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये फोर्स नहीं है, बल्कि एक्चुअली ये फोर्स पर यूनिट एरिया है। सो दिस इज नथिंग बट दिस इज द फोर्स पर यूनिट एरिया। सबसे पहले यहां पर इस बात को नोट डाउन कर लेंगे उसकी यूनिट को देखकर। तो चलिए अब यहां पर ये बात तो समझ में आ गई होगी कि सर दो मॉलिक्यूल्स चूज करें और दोनों की मेरे को वेलोसिटीज पता है। आप लोगों को फॉर्मूला पता होगा शियर स्ट्रेस का, दैट इज इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट एरिया इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या है हमारे पास, दैट इज इक्वल्स टू म्यू इनटू डीयू बाय डीवाई। लेकिन देखिए फोर्स पर यूनिट एरिया की वैल्यू हमें कितनी दे दी है, तो उसको भी चेक करेंगे। तो दैट इज गिवन एज 2.2 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अच्छा म्यू की वैल्यू हम लोगों को निकालनी है, लेकिन डीयू की वैल्यू कितनी आ गई, तो हमने निकाली एज 1.2 मीटर पर सेकेंड। अच्छा dy की वैल्यू क्या होगी, तो दैट इज द डिस्टेंस इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन टू द फ्लो। तो यहां पर देखिए ये जो पर्टिकुलर डिस्टेंस है इसी को मैं क्या बोल दूंगा, दिस विल बी नोन एज योर dy। तो ठीक है, यहां पर dy की वैल्यू मैं लिख देता हूं एज 0.05 mm है, मीटर में लिखना पड़ेगा, तो इसको सॉल्व कर लेंगे यहां पर मीटर में लिख देंगे एज 0.05 * 10^-3 मीटर। तो देखिए यहां पर सारे के सारे ही वैल्यूज हमारी स्टैंडर्ड यूनिट में हैं, इसका मतलब कि मेरी जो म्यू की वैल्यू होगी इस पर्टिकुलर इक्वेशन को आप लोग सॉल्व कर लोगे और सॉल्व करके मेरे को बताओगे कि व्हाट इज द फाइनल आंसर। ठीक है,
तो बस ये एक लास्ट स्टेप दे रहा हूँ आप लोगों को खुद ही सॉल्व करने के लिए। सॉल्व करें और इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर आप लोग मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हो। बट किस तरह से सॉल्व किया है, आई होप ये पार्ट तो आपको समझ में आया होगा। बट ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन मैंने लिया था यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है उसको भी सुन लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर क्या बोल रहा है, सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है दैट अ प्लेट हैविंग एन एरिया ऑफ, अ प्लेट हैविंग एन एरिया ऑफ 0.6 मीटर स्क्वायर इज स्लाइडिंग डाउन। थोड़ा ऊपर कर दिया मैंने ताकि यहाँ पर सॉल्व हो पाए। इस स्लाइडिंग डाउन द इंक्लाइंड प्लेन एट 30 डिग्री। ठीक है, तो एक प्लेट है जो कि 30 डिग्री पे इंक्लाइंड प्लेन पर नीचे स्लाइड कर रही है विद द वेलोसिटी ऑफ 0.36 मीटर पर सेकेंड। बोल रहा है फिर आगे कि एक क्वेश्चन है फ्लूइड का 1.8 एमएम थिक वाला बिटवीन द प्लेन एंड द प्लेट। तो सुने यहां पर जरा कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कुछ इस तरह का केस बनेगा। इस तरह के केस का मतलब क्या है कि देखिए यहां पर एक पर्टिकुलर प्लेट है जो कि मूव कर रही है। मान लेते हैं ये है हमारी प्लेट है और इन दोनों ही बॉडीज के बीच में यहां पर प्रेजेंट है कुछ फ्लूइड, और वो फ्लूइड की लेयर में मान लेता हूं ये लेयर है हमारे फ्लूइड की। ठीक है, तो यहां पर ये है हमारा फ्लूइड। ठीक है, और अब मेरे को क्या बोल रहा है ये कि इन दोनों फ्लूइड, इन दोनों पर्टिकुलर बॉडीज में से ये तो है हमारी जीरो वेलोसिटी वाली बॉडी ब्लॉक, जबकि जो प्लेट है प्लेट मूव कर रहा है एट अ वेलोसिटी ऑफ 0.36 मीटर पर सेकेंड। ऑफ कोर्स डाउनवर्ड मूव करेगा, तो मैं मान लेता हूं कि ये इस डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी कितनी है, तो दैट इज इक्वल टू 0.36 मीटर पर सेकेंड। ये हम लोगों को पता है। अच्छा, अब मेरे को एक और बात बताइए कि इन दोनों के बीच में जो फ्लूइड है उसका क्वेश्चन कितना है। तो दिस डिस्टेंस इज नथिंग बट दिस डिस्टेंस इज गिवन एज 1.8 mm। तो ये डिस्टेंस भी हम लोगों को दिया हुआ है एज 1.8 mm। और आगे बोल रहा है दैट वेट ऑफ द फ्लूइड, वेट ऑफ द प्लेट इज 280 न्यूटन। मेरे को यहां पर विस्कोसिटी की वैल्यू बता दीजिए। अच्छा, वेट दिया है तो एक बार समझना कि ये जो पर्टिकुलर प्लेट है इसका वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन एक्ट करेगा, और कितना दिया है तो दैट इज गिवन एज 280 न्यूटन। ठीक है, तो 280 न्यूटन यहां पर मेरे को वेट दिया है जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा, और ये जो पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन दिया है, दिस एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज गिवन एज 30 डिग्री। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मेरे को ये बताइए कि ये जो पर्टिकुलर हमारी प्लेट है इसी का फ्री बॉडी डायग्राम अगर मैं बनाना चाहूं क्या करूंगा उसके लिए, तो मैं ये जितने भी फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं उनको मैं यहां पर रिजॉल्व करके लिख देता हूं। तो देखिए ये पक्की बात है कि ये अगर बॉडी आगे की तरफ मूव कर रही है तो शियर स्ट्रेस किस डायरेक्शन में एक्ट करेगा, शियर स्ट्रेस और शियर फोर्स बैकवर्ड डायरेक्शन में ऊपर की तरफ एक्ट करेगा। तो मैं मान लेता हूं लेट दिस बी शियर फोर्स। वहीं इसके अलावा हम ये भी जानते हैं कि 280 न्यूटन डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, इधर से इस डायरेक्शन में कितना एक्ट करेगा इस 280 का, तो दैट विल बी इक्वल्स टू 280 sin 30 डिग्री। ठीक है, तो यहां से मेरे को इतनी बात तो क्लियर है कि अगर ये प्लेट एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, दैट मींस एज वेलोसिटी इज अ कांस्टेंट, I can see that the summation of forces in this particular plate will be equals to zero. क्योंकि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्या बोल कर गया था कि भाई अगर एक एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है तो कोई चेंज इन वेलोसिटी भी नहीं होगी, जो स्टेशनरी है वो स्टेशनरी ही रहेगा, जो जिस वेलोसिटी से मूव कर रहा है वो उसी वेलोसिटी से मूव करता रहेगा। तो यहां पर क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है इसका क्या मतलब हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा कि भैया जो समीशन ऑफ फोर्सेस है वो क्या होगा, जीरो होगा। और अगर समीशन ऑफ फोर्सेस जीरो में मान लेता हूं तो मैं यहां पर ये लिख सकता हूं बाय इक्विलिब्रियम दैट शियर फोर्स विल बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल्स टू 280 sin 30 डिग्री। ठीक है, सो अभी मेरे को एक बात बताओ कि साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, तो दैट इज इक्वल्स टू होता है हाफ
दैट मींस दिस विल बी इक्वल्स टू 140 न्यूटन। ये तो हो गया शियर फोर्स। बट अगर मैं आपको यहां पर पूछता हूं कि चलिए शियर फोर्स के लिए भी फॉर्मूला बता दो, तो शियर फोर्स का फॉर्मूला आप लोगों को पता है, दैट इज इक्वल्स टू म्यू इनटू एरिया इनटू डीयू बाय डीवाई। ये आप लोगों को ऑलरेडी पता है। तो अभी मैं एक बात ये बताओ यहां पर कि म्यू की वैल्यू निकालनी है हम लोगों को, शियर फोर्स की वैल्यू कितनी है, तो ये आप लोगों को ऑफ कोर्स पता है, तो दैट इज इक्वल्स टू 140 न्यूटन। म्यू की वैल्यू निकालनी है और ए एरिया, कौन से एरिया पे एक्ट करेगा शियर फोर्स, तो पक्की बात है सर ये जो पर्टिकुलर बेस पर प्रेजेंट एरिया होगा ये वाले एरिया पे ही हमारा शियर फोर्स एक्ट करना है, क्योंकि वही एरिया है जो कि फ्लूइड और इस पर्टिकुलर बॉडी के बीच में कॉन्टेक्ट में है। सो यही एरिया दिया हुआ है, कितना दिया है एज 0.6 मीटर स्क्वायर, तो एरिया की वैल्यू लिख देता हूं एज 0.6 मीटर स्क्वायर। यूनिट्स का ध्यान रख लेना, इसलिए बेहतर होगा कि आप यूनिट्स साथ में ही लिख दे। डीयू के मतलब क्या होता है, तो दैट इज द डिफरेंस इन वेलोसिटी। तो अगेन मैं काम करता हूं, दो पॉइंट्स ले लेता हूं, एक पॉइंट ये वाला ले लिया, एक पॉइंट ये वाला ले लिया, तो ये पॉइंट की वेलोसिटी तो मेरे को पता है दैट इज इक्वल्स टू 0.36 है, और ये वाले पॉइंट की वेलोसिटी कितनी है, जीरो है। सो ऑफ कोर्स द डिफरेंस इन वेलोसिटी विल बी इक्वल्स टू 0.36 माइनस जीरो, बट द वैल्यू इज इन मीटर पर सेकेंड। अच्छा डिस्टेंस कितना है इन दोनों पॉइंट्स में, तो वो हम लोग को पता है 1.8 mm है, तो 1.8 mm को मैं लिख देता हूं एज 1.8 into 10 raised to power minus 3 मीटर। ठीक है, तो यहां पर ध्यान दीजिएगा कि ये न्यूटन में है मतलब स्टैंडर्ड यूनिट में है, और ये मीटर पर सेकंड, ये मीटर और ये मीटर स्क्वायर, मतलब सभी के सभी वैल्यूज हमारे स्टैंडर्ड यूनिट्स में है। दैट मींस इस इक्वेशन को सॉल्व करूंगा तो म्यू की वैल्यू भी किसमें मिल जाएगी, स्टैंडर्ड यूनिट में मिल जाती है। सो इसको सॉल्व करें और जो भी आंसर आता है आप लोग मेरे को क्वेश्चन का आंसर कमेंट में बता सकते हो। मिलते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है उसके बारे में भी सुन लेते हैं। ये एक क्वेश्चन है जो कि मैंने आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए दिया हुआ है। ऑलरेडी हम लोगों ने इस तरह का क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन जो था वो एग्जैक्टली इसके जैसा ही था, बट ठीक है एक क्वेश्चन मैंने करवाया है तो ऑफकोर्स आप लोगों को भी एक वैसा ही एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन करना चाहिए। तो एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों को यहाँ पर प्रैक्टिस के लिए दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को आप लोग खुद ही सॉल्व करें, आराम से पढ़े, एग्जैक्टली जो डाटा है जो केस है वो एग्जैक्टली वैसा ही है जैसा कि हमारे फर्स्ट क्वेश्चन में प्रेजेंट है। तो इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं, अगर आप लोगों से सॉल्व नहीं होता है फिर भी तो पहले फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखा होगा, उसके बाद भी दिक्कत आती है तो आप लोग मेरे को बता दीजिएगा, मैं इसको सॉल्व करवा दूंगा आपको। खैर चलिए अभी यहां पर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने लिया है वो भी सुन लेते हैं। बोल रहा है द वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर फ्लो ओवर अ प्लेट इज गिवन बाय, एक इक्वेशन दी हुई है यू की, U की इक्वेशन क्या बोल रहा है ये, दैट द वैल्यू ऑफ U इज गिवन एज 2y माइनस y स्क्वायर, वेयर U इज द वेलोसिटी इन मीटर पर सेकंड एट अ डिस्टेंस ऑफ y फ्रॉम द प्लेट। तो अगर मान लीजिए ये हमारी प्लेट है तो इससे जो भी डिस्टेंस होगा इस डिस्टेंस को ही क्या बोल रहा है ये, y बोल रहा है। डिटरमाइन द वेलोसिटी ग्रेडियंट एट द शियर स्ट्रेस एट बाउंड्री and 1.5 meter from it. अच्छा क्वेश्चन है और मेरे को विस्कोसिटी की वैल्यू भी दे दी है इसने। तो सबसे पहले बताइए मेरे को कि वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या होता है, सबसे पहला पार्ट क्या पूछ रहा है, वेलोसिटी ग्रेडियंट पूछ रहा है। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या होता है, तो वेलोसिटी ग्रेडियंट इज नथिंग बट दैट इज du / dy। ठीक है, और u की आप लोगों को इक्वेशन दी हुई है, इक्वेशन क्या दी है u की, तो दैट इज इक्वल्स टू 2y माइनस y स्क्वायर। इसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो डिफरेंशिएट करके मेरे पास आंसर आ जाएगा एज y माइनस, सॉरी इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो यहां पर डिफरेंशिएट करके तो मेरे पास आंसर आना है दैट इज ओके, क्वेश्चन ही हट गया है तो यहां पर चलिए मैं वापस से पूरा मिटा देता हूं आराम से। ये कुछ हमारे पास यहां पर जो डिफरेंशिएट करके वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी वो देख लेते हैं।
दैट विल बी इक्वल्स टू y, सॉरी 2 माइनस 2y, ये बच जाएगा मेरे पास du बाय dy एंड दिस इज नथिंग बट दैट इज योर वेलोसिटी ग्रेडियंट। अब पूछ कह रहा है वेलोसिटी ग्रेडियंट की वैल्यू बाउंड्री पे, एक बात बताओ बाउंड्री पे यहां पर y की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। सो एट बाउंड्री अगर मैं चेक करता हूं du बाय dy की वैल्यू क्या होगी, du बाय dy विल बी इक्वल्स टू एट y इक्वल्स टू जीरो, मेरे को यहां पर पुट करनी चाहिए वैल्यू। तो जैसे ही मैंने y की वैल्यू पुट कर दी जीरो, तो ऑफ कोर्स ये इक्वेशन बनेगी एंड दैट विल बी इक्वल्स टू 2। अच्छा यहां पर स्टैंडर्ड यूनिट्स यूज करेंगे तो दैट विल बी 2 और ये है क्या, तो दैट विल बी इक्वल्स टू मीटर पर सेकंड अपॉन मीटर। तो दैट मींस कि यहां पर जो बचेगा वो सिर्फ और सिर्फ बचेगा पर सेकंड। तो इसको मैं करेक्ट कर लेता हूं, दिस विल बी इन पर सेकंड क्योंकि ये वेलोसिटी ग्रेडियंट था। सिमिलरली चलिए अब यहां पर मेरे को ये बताइए शियर स्ट्रेस की वैल्यू पूछ रहा है, लेकिन शियर स्ट्रेस क्या होता है, तो दैट इज इक्वल्स टू म्यू इनटू डीयू बाय डीवाई। सो मुझे क्या करना है यहां पर, शियर स्ट्रेस निकालना है एट द बाउंड्री, और बाउंड्री मतलब y की वैल्यू 0, और अगर y की वैल्यू मैं 0 पुट करूं तो सबसे पहले देखिए म्यू की वैल्यू क्या दे दी है, तो दैट इज गिवन एज 0.9 न्यूटन सेकंड्स पर मीटर स्क्वायर इनटू du by dy की वैल्यू मैंने देखी यहां पर y equals to 0 पे कितनी आ रही है, तो that is only 2। ठीक है, तो यहां से अगर आप चेक करेंगे that the value of 2 tau will be equals to 1.8 newton per meter square। ठीक है, similarly आगे क्या पूछ रहा है, at a distance of 1.5 from it, तो 1.5 मीटर के डिस्टेंस से पूछ रहा है, तो सबसे पहले मैं यहां पर ये बताओ कि du by dy की वैल्यू क्या होगी for y equals to 1.5, क्योंकि ऑफ कोर्स 1.5 मीटर में जा रहा है प्लेट से, मतलब y की वैल्यू चेंज कर जाएगी, और अगर मैंने y की वैल्यू 1.5 पुट कर दी इस इक्वेशन में, तो देखो इक्वेशन क्या बनेगी, 2 minus 2 into 1.5, so that will be equals to minus 1। ठीक है, so minus 1 but यूनिट क्या हो जाएगी, that will be per second। ठीक है, अब बात आ जाती है यहां पर कि चलिए शियर स्ट्रेस की वैल्यू भी बता देता हूं मैं, ये पर्टिकुलर डिस्टेंस पर क्या होगा शियर स्ट्रेस की वैल्यू, तो दैट विल बी इक्वल्स टू 0.9, यही सेम इक्वेशन यूज कर रहा हूं मैं, इनटू du / dy, और उसकी वैल्यू कितनी है -1, सो दैट विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ 0.9 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो अब आप लोगों को दिमाग में सवाल यह आएगा, सर चलिए ठीक है इक्वेशन में वैल्यूज पुट करके तो मैंने कैलकुलेशन कर दी, लेकिन सर ये वैल्यू नेगेटिव आ रही है, इस नेगेटिव का मतलब क्या है, तो इसका मतलब ये है कि अगर मान लीजिए यहां पर पहले इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में वेलोसिटी थी, ठीक है, तो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी थी, लेकिन हो क्या रहा है कि अगर मान लीजिए ये है आपका बाउंड्री, तो इनिशियली तो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी थी, और ये मान लेता हूं कि ये जीरो वाली लाइन है, जितना ज्यादा लेंथ में दिखाऊंगा एरो का उतना ही ज्यादा मैग्नीट्यूड होगा। ठीक है, तो धीरे 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 क्या हुआ है, यहां पर आगे बढ़ने पर जो वेलोसिटी है उसकी वैल्यू कम होती गई, और कम होते होते ही इतनी कम हो गई कि हाँ सही ये फिर फाइनली उसके बाद वेलोसिटी की वैल्यू नेगेटिव हो गई। ठीक है, तो जहां वेलोसिटी की वैल्यू नेगेटिव होगी, देखिए यहां पर du / dy की वैल्यू भी नेगेटिव आ रही है ना, तो इसका मतलब पहले क्या होता था ऊपर वाले की वेलोसिटी कम होती थी, अब क्या हो रहा है इस पर्टिकुलर जोन में कि ऊपर वाले की वेलोसिटी बढ़ रही है, लेकिन हां किस डायरेक्शन बढ़ रही है, नेगेटिव डायरेक्शन बढ़ रही है, सो इसलिए यहां पर ये नेगेटिव साइन मिल जाएगा हम लोगों को। लेकिन एक बात और समझना कि यहां पर जो टाउ है, टाउ की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, इसका क्या मतलब है कि पहले चल रहा था शियर स्ट्रेस इस डायरेक्शन में, अब शियर स्ट्रेस की डायरेक्शन भी उल्टा हो रहा है, यहां पर शियर स्ट्रेस की डायरेक्शन भी चेंज हो गई है, क्योंकि ऑफ कोर्स शियर स्ट्रेस किस डायरेक्शन में एक्ट करेगा ये डिपेंड करता है कि रिलेटिव मोशन कौन सी डायरेक्शन में हो रहा है। तो ऑफ कोर्स पहले वेलोसिटी इस डायरेक्शन में थी, तो शियर स्ट्रेस इसके अपोजिट, वेलोसिटी के अपोजिट मतलब इस डायरेक्शन में जाएगा, और बाद में क्योंकि वेलोसिटी इस डायरेक्शन में मतलब यहां पर
जो हमारा पर्टिकुलर शीयर स्ट्रेस होगा वो वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो कुछ इस तरह से यहाँ पर आप इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो और इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का फिजिकल सिग्निफिकेंस भी समझ सकते हो। और भी बहुत अलग अलग तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, तो हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ और अलग लेवल के क्वेश्चन के साथ। आई होप यहाँ तक के सारे क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और न्यूमेरिकल्स, कुछ और कन्वेंशनल क्वेश्चंस बेस्ड ऑन विस्कोसिटी के साथ। तब तक लगातार पढ़ते रहे, हैप्पी इंजीनियरिंग।